और ये देखिए गाइस, धृति का जो फीवर है वो उतर चुका है और इसकी हरकतें शुरू हो गई है। ये देखो, देख रहे हो, धनाधन चढ़ जा रही है ये सीढ़ियों पे से, क्योंकि अब इसके फीवर उतर गया है। जब तक इसको फीवर था ना, तब तक ये बिल्कुल। तो ये देखो धृति मेरी गोद में। धृति बेटा, बुखार कम हो गया? खत्म हो गया बुखार? इधर देखो, तो दृष्टि का बुखार जो है वो खत्म हो चुका है और इसकी शैतानी और बदमाशी स्टार्ट हो गई। देखो अब ये गोद में भी नहीं रुक रही है, अब ये चाह रही है कि एकदम पूरे ऊपर तक जाए। ये देखो कह रही है कि इसको उतार दो गोदी में से और ये अकेले अकेले सीढ़ियों पे चलेगी, इसलिए ये रो रही है। रिति इधर। ये देखिए गाइस, ये धृति को मिला था सारा कनी का, खत्म कर दे रही है। दिखा दो जरा क्या खा रही हो। ये देखिए जस्ट जेली, तो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, तो धृति तो खाती नहीं, उसकी माँ सारे खत्म कर दे रही है। तो ये देखिए गाइस, काला कुत्ता आके खड़ा है घर के सामने। और मेरे छोटे देवर ये खा रहे मिठाई और इसको दे रहे लालच। ये देखो, ये डेली सुबह शाम यहाँ आ जाता है, सुबह शाम डेली ये आ जाता है। पापा इसको ना सुबह रोटी खिलाते हैं और शाम को जब पापा का खाना हो जाता है ना, तो इसको खाना डाल देते हैं, तो ये डेली सुबह शाम आ जाता है। और मेरे छोटे देवर ये भी बेचारे को खिलाते रहते हैं, पर एक दिन क्या हुआ ना, रात को जिस दिन धृति का बर्थडे था, तो मेरे देवर आ रहे थे, तो अंधेरे में इनको काट लिया बेचारे। इनको कितने इंजेक्शन लगे? दो इंजेक्शन लग गए इनको, बताओ। और फिर भी आके यहीं बैठता है ये कुत्ता। ये देखो धृति अब उसकी दादी के गोद में मजे ले रही है। धृति और उसकी दादी की मस्ती देखो। दोपहर में इसको इतना तेज फीवर था ना गाइस, अब जाके इसका बुखार कम हुआ है, मतलब है नहीं अब इसको बुखार। तो इसकी दादी आई है अभी काम से, तो ये लग गई है अपनी दादी के साथ, तो इसकी मस्ती चालू है। मेरे देवर लग गए अपने काम में। घर में जिसका भी पंखा खराब होता है, लाइट खराब होता है, कुछ भी खराब होता है ना, तो ये लग जाते हैं अपने काम पे। ये हमारे घर के छोटे मोटे जो भी इलेक्ट्रिशियन, तो ये लग जाते हैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक से जुड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो ये अपना खुराफाती दुकान सॉरी दिमाग यूज़ करते हैं और लग जाते हैं। ये देखिए अब ये कनिका का पंखा कुछ दिनों से चल नहीं रहा था, तो अब इसको सही कर देंगे और आज रात को फिर कनिका हवा खाएगी। देखिए हमारे पापा आ गए हैं और धृति चली गई है उनके पास। धृति ना पापा को ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्या, पापा से ज़्यादा अटैच्ड है धृति, और क्योंकि क्योंकि पापा जो है ना वो पूरे गांव में घुमाते हैं इसको गोदी में लेके, सब जगह घूमी घूमी करके आती है धृति। और मेरे पापा बेचारे पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं धृति को गोदी में लेके घुमाने में, बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी बेचारे ऊब जाते हैं, फिर ला के दे देते। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों का प्रेम आपस में चल रहा है अभी। तो देखिए मेरे देवर जी ने फाइनली कनिका का पंखा जो चला दिया, तो ये देख सकते कितनी तेज घूम रहा है। बेचारी हवा नहीं खा पा रही थी कुछ दिनों से, तो अब आज रात को बढ़िया से हवा खाएगी। तो देखो, वैसे टैलेंटेड तो है मेरे देवर जी, ध्यान से सुनना। तो लाइव सिंगिंग चालू है, आप ध्यान से सुनना। तो ये बंगाली में गाना गा रही है। और देखो धृति देख रही है इधर। बंधु
तो आ गई हूँ मैं गाइस संध्या आरती के लिए। तो ये मैं आरती कर रही हूँ और ये है माँ शारदे, देख सकते हैं आप। तो इन्हीं की मैं आरती कर रही हूँ। तो आप लोग भी गाइस ले लीजिए आरती और भगवान आप लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। मेरे हस्बैंड ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं नून एकेडमी पे, तो मैं उनको आरती देने आई हूँ। तो आप सब भी गाइस आरती ले लीजिए और भगवान आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी करें। तो देखिए गाइस पापा ये वाले पापड़ लेके आए हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, तो ये वाले जब फ्राई होते हैं ना तो बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ये वाले, तो अच्छे लगते हैं बहुत खाने में। और पापा स्पेशली ये वाले इसलिए लाए हैं क्योंकि ना पापा के मुँह में दांत नहीं है तो वो चबा नहीं पाते पापड़ को, बट ये वाले जो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट पापड़ हैं तो ये वाले लेके आए हैं कि वो भी खा पाए, थोड़ा पापड़ का आनंद ले पाए, थोड़ा होली का आनंद ले पाए। तो इसलिए होली पे मैंने तो आलू के चिप्स बनाए हैं और पापा ये पापड़ लेके आए हैं, और सोच रही हूँ कि मैं गुजिया भी बनाऊँ, तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है रात का डिनर। तो डिनर में आज बन रहा है अंडा करी, अंडा को मैंने फ्राई कर दिया है, साथ में ये है बॉइल्ड पोटैटो, तो इसकी करी बनेगी। इधर देखिए कढ़ाई में मैंने सारे मसाले फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए फ्राई हो गया इसमें, तो ये हो गया फ्राई। तो ये सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं वो सारी मैं अब इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर और फ्राई करके फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो आज डिनर पे बन रहा है हमारा अंडा कड़ी। तो ये देखिए गाइस कितने सारे कपड़े हैं, ये धोने हैं मेरे को, और लाइट गई हुई है सुबह 7:30 बजे से और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो अभी तक लाइट नहीं आई है और इतने सारे कपड़े धोने हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो देख सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 और अभी हम जाएंगे लंच करने के लिए। तो हस्बैंड मेरे जो है आज गए थे टेस्ट करवाने हॉस्पिटल, तो आज टेस्ट करवा के आए हैं शुगर का, लीवर का और किडनी का। तो उसकी रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, कल देंगे उसकी रिपोर्ट। तो कल आएगी रिपोर्ट, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से उनको इतनी वीकनेस, इतनी थकान, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। तो व्लॉग पे बने रहिएगा, अभी जा रही हूँ मैं लंच करने, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि आज लंच में क्या क्या बनाया है, क्या क्या है। तो बने रहिएगा व्लॉग पे। तो ये देखिए, तो ये देखिए इन ये कतई मरीज हो रखे हैं, 2 हफ्ते के करीब होने को जा रहा है, तो अब खाना भी उनको बेड पे ला के देना पड़ रहा है, इतने मरीज हो गए हैं। तो गाइज जैसा कि आजकल मेरे हस्बैंड वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग पे मेरे साथ नहीं है, क्योंकि 2-3 दिनों से उनकी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं मेरे साथ, कह रहे हैं कि अभी रहने दो, तो वो रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन पहले ना फ्लिपकार्ट से कुछ टी शर्ट और ऑर्डर किया था, तो वो टी शर्ट जो है आज डिलीवर हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको टी शर्ट कैसी है और किस अवस्था में हमें वो मिली है। तो ये वाले बैग में आया था, इन्होंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर दिया है, इस वाले पैकेट में आया था टी शर्ट, और 3 टी शर्ट है, एक वाइट है और एक ग्रे है और एक येलो कलर का है। तो ये दोनों को मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये वाला खोल के देखा था, तो इसी को दिखाती हूँ मैं आपको, बाकी दोनों खोल के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सेम ही है, बस कलर अलग है। तो ये देखिए आप,
ये आई थिंक लार्ज साइज ऑर्डर किया था मेरे हस्बैंड ने, बट ये लार्ज साइज नहीं है सबसे पहली बात। ये देखिए ये है टी शर्ट, मतलब देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा बट इसकी क्वालिटी जो है वो एकदम बेकार है। मतलब ये मार्केट में ना आपको ये टी शर्ट मिल जाएगी 70 रुपये में, 80 रुपये में, 50 रुपये में भी मिल जाएगी ये वाली टी शर्ट। और लार्ज साइज ऑर्डर किया था बट ये आई थिंक मीडियम भी नहीं है, मुझे स्मॉल साइज लग रहा है ये। तो ये तीन टी शर्ट जो है ये वाली तीन, इन्होंने 350 में तीन ऑर्डर किया था। मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि मेरे हस्बैंड इतना चीप शॉपिंग करते हैं, वो भी मुझे नहीं पता था। तो इन्होंने मुझे बिना बताए और मुझे बिना दिखाए ये वाली टी शर्ट ली, शायद इनको अच्छी लग रही होगी तो इसलिए। बट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर आपको टी शर्ट लेनी है तो इतने चीप रेट में मत देखिए, क्योंकि चीप रेट में जो चीज़ें मिलती हैं ना वो होती भी एक्चुअली चीप ही है। तो ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी मुझे तो। और आप लोग भी अगर कोई टी शर्ट वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो इतनी सस्ती में मत देखिए, थोड़ी महंगी ले लीजिए पर क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी आएगी, उससे निराश नहीं होगे आप। और ये तो बहुत ही बेकार है, तो इसको अब कर दिया हमने रिटर्न, तो अब वो आ जाएगा कल लेने वापस। तो ये टी शर्ट तो हो जाएंगी रिटर्न, और अब वापस से कुछ और दूसरा ब्रांडेड टी शर्ट जो मैंने उनके लिए ऑर्डर किया है तो वो आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने लिया है ये वाओ का फेस वॉश और ये वाओ का सनस्क्रीन। तो ये वाला जो है विटामिन सी फेस वॉश है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो मैंने ये वाला लिया है। और इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे देखे थे मैंने, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और मैंने यूज़ भी किया है तो बहुत बढ़िया निकला ये। और ये है वाओ का सनस्क्रीन, तो ये मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन है। अब गर्मियों में जैसे लगाते हैं ना चिपचिपा होता है, तो इससे वो बिल्कुल नहीं होता है, ये स्किन पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे और इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे। और नेचुरल प्रोडक्ट है गाइस, तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखना वाओ का प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये कोई पेड वीडियोज़ नहीं है गाइस, ये आपने हाँ गाइज, ये कोई ना पेड वीडियो नहीं है कि मुझे किसी ने पे किया है इसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या इसके बारे में कुछ बोलने के लिए। ये मैं खुद की राय बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है, अपने स्किन पे लगाया है इसको, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे सूट हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं ट्राई कर सकते हो, बट बहुत अच्छा निकला ये, इसलिए मैंने बोला आपसे शेयर। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा, और पसंद आए तो एक लाइक तो कर ही देना। बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को कि एक लाइक कर देना, लाइक कर देना, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं।